Yeah, good. But keep it low. Yes, sir. Yeah, good. Now I'll give you one of the backhand. Yes, sir. No, you have not positioned your prop. Priya, come here. Especially sir. When you get the ball on your backhand, see that you position yourself and then take it. Okay? Yes, sir. Okay, then see you then. Thank you, sir. Hello, Priya. मैंने तुम्हें हेलो कहा सुना मैंने तुम्हारे यहाँ हेलो का जवाब देने का रिवाज नहीं है क्या बोलो ना मैंने कह तो दिया दिल ही दिल में तुमने तो कह दिया मैं नहीं कह सकता क्यों वो लिफाफा जो तुम्हें दिया था खोलकर पढ़ती तो पता चल जाता वो पढ़ा मैंने तो जवाब क्यों नहीं दिया जवाब भी दिया था कब दिया उसी रोज दिल ही दिल में प्रिया अरे प्रिया सुनो तो अरे पूरी बात तो सुनकर जाओ आज शाम को मिलेंगे बैसाखी के फंक्शन में बाय चाची भैन जी चाची भैन जी क्या झूठा वो ढाका से कैसे आ सकती है चाची बाहर जाके देख रहे टांगे तो भैन जी हैं कमाल कर रहे हैं भाई तीरा नहीं है मेरे बारे में नहीं बोलना नहीं बोलूंगी जा चुप जा चुप जा ओ शर्मू ओए बुआ ये मारी ओए शर्मू पेंजी है पेंजी जा ओए ओए मेरे बारे में नहीं बोलना ओए मेरे बारे में नहीं बोलना हाय ज्वाली आई है सच्ची हाँ आई आई है तो घोड़े को ना पानी पिला देना ले ले वा जा अरे शर्मू कैसे हो तुम जी नहीं आए नहीं वो नहीं आए मैं अकेले आई हूँ हमारी याद नहीं आपको कितने दिनों बाद आई है बहुत याद आई तुम लोगों की कैसी है तुम बहुत सुंदर लग रही है तू भी तू आप रहेंगी ना हाँ मैं रहूंगी चाची की चाय आ गई है यार डाली मैं चलती हूँ मैं वो ट्रक्का से कब आई बस सारा ट्रांसफर हो गया चाची अच्छा बोल रही हो गई इतने यार हरीश कितनी है बच्चे का है वो बिजी नहीं ट्रांसफर है बच्चे ओनर को ले मैं आ गई हूं मिलन वास्ते अच्छा जा 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 सरोज देख कौन आया पुत्र चाय जी जोगी कहां है जोगी अस्पताल गया पुत्र हमें आ जाएगा अपनी बहन जी तेरी बहन खुश हो सरोज कैसी हो तुम अब बहुत अच्छी बैठी ना ओ शर्मू जा प्राइड हॉल से कुछ लेके आ पानी शाड़ी हां राजू नहीं आया नहीं वो नहीं आया और बच्चे कैसे उन्हीं की ज्यादा खुश है वाह आपकी एक सरप्राइज है क्या कहा सरप्राइज जी बहुत इंग्लिश बोलने लगी है आपने तो हमें इंग्लिश नहीं सिखाई लेकिन मैं सीख गई हूँ उनके साथ एम्बेसी जाती रहती हूँ ना अब मैं बोल लेती हूँ लो जी पैजी पानी सीख गई है ना देख कितना बड़ा लिखा आदमी दिया कितने मुल्क घुमा तेरे को कहा चाय जी एक नेपाल और एक ढाका अच्छा तो इंग्लैंड भी ले जाएगा पुत्र ओ भाई वो एम्बेसी में कुछ काम भी करता है या आपको सिर्फ अंग्रेजी सिखाता रहता है पहन जी तेरी पहना तू कदों आया बस तुसी आए उसे थोड़ा ही पहले आया हूँ सुना तेरा ब्याह हो गया हाँ भाई एक बेटी है एक बेटा है आपकी भाभी का नाम जमीला है कदों तक रहेगा बस बैसाखी मनाएंगे और निकल जाएंगे बिल्कुल नहीं मेरे नाल चल बहन अपना वीजा यहीं तक का है ले वीजा देखी कल मैं उनसे कहूंगी वो जल्दी जल्दी दिल्ली का भी वीजा बनवा देंगे
लो चाय जी, काम हो गया अपना। बहन जी बातें तो होती रहेंगी, जरा अंदर आइए ना, हाथ धो लीजिए। हाँ भाई चल चल। ओ कुड़ियो, ये हमारी पेंजी है ना, थोड़ी पुआ, उसके बारे में तुम्हें एक बात बताता। और जब हम छोटे छोटे थे ना, थोड़ा प्यो जोगी मैं पेंजी, पेंजी बड़ी थी। अब चाय ने कुछ बहुत ही स्वादी चीज बनानी है, हमने खा लेना अपना हिस्सा, थोड़े प्यो ने मैंने अपना खा लेता। अब पेंजी बैठी खाने के लिए, दिल है पेंजी ने पूछना, जोगी तू खाएगा, काकू तू खाएगा? और नहीं नहीं हमें नहीं खाना, दिल है हमारा। और पेंजी छिपकली से बहुत डरती थी, बहुत जैसी खाने लगी, ओ पेंजी छिपकली, ओ पेंजी छिपकली, पर पेंजी उठ के इधर भागी उधर भागी, मैं और जोगी खाने पे लग गए। उसमें भी झगड़ा, जोगी ने, जोगी बड़ा तो मारता था मेरे को बहुत, मार के छीन लेना। चाय जी आप जरा अंदर आइए। क्या हो गया पुत्र, सब ठीक है ना? ना बस फिर वो खा तो लेना किसी तरह से। अभी क्योंकि मैंने पेंजी को डराया, चाई ने मुझे मारना, जोगी ने मुझे मारा, इसलिए जोगी को मारना, दोनों की करतौल है। और पेंजी ने फिर भी कहना, ना 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 कोई गल नहीं, कोई गल नहीं जी। है तो क्या हो मैं... ये आपने क्या किया चाई जी? क्यों मैंने क्या किया है? आपने अच्छा नहीं किया, सबकी जाने खतरे में डाल दिया। क्या बातें कर रही है तू आते इस घर में, है किसकी जान मैंने खतरे में डाली है? चाय जी आजकल के हालात ठीक नहीं है, आप जानते हैं। हालात गए चूल्हे में, मेरा पुत्र आया मेरे घर में, अपने पुत्र को रखा मैंने घर में, और अगर पुलिस को पता चल गया तो? लग जाए तो लग जाए, मैं अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दूं। चाय जी आप तो जानते हैं कि वो पुलिस में है, अगर उन्हें ये पता चल गया कि काकू को हमने पनाह दी है तो उनकी नौकरी तो खतरे में जाएगी ना। बस कर ज्वाली बस कर, क्यों आते घर में क्लेश कर रही है? वो पुलिस में है तो है, पर अभी तो मेरा पुत्र है, जोगी का प्राण तेरा प्राण। हालात ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो। मैं सब समझ रही हूँ, सबको यही बस लगी है बात दिल में जाके कि काकू को मेरे घर में पनाह क्यों दी है। चाय जी आपने जो करना करो, मैं तो चली। मेरा पुत्र इस घर में क्या आ गया, सबके सिर पे पानी पड़ने लग गया, ये रात तक कुछ ना कुछ होने लगता मेरे को बुला के, मैं कुछ हुई नहीं इस घर में, जाओ जी मैं जाना। बहन जी रुकी तो एक मिनट, मेरी बात को सुनिए। जाती है तो जाए, है इतनी पढ़ाई हो जाती है बेटियां, पराओं के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, सिर्फ अपनी खबर रखनी है, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचना। जाए देखो तुम दोनों, पापा आएंगे ना उनको मत बताना ज्वाली आई थी, कोई जरूरत नहीं है बताने की। जी सरोज, चाय जी सरोज, क्या हुआ? काकू का, काकू काकू क्या हो गया जोगी, क्यों इतना परेशान हो रहा है? चाय जी पुलिस हमारे घर की तलाशी लेने आ रही है। काकू का ले भाई, जोगी आप तो तैयार हो गया वैसाखी दे मेले वास्ते, पागल हो गया मेरे साथ चल, किसी दूसरे शहर में चलते हैं, पुलिस यहाँ तलाशी लेने आ रही है। तो मेरा सफर तो यहाँ पहुंच के ही पूरा हो गया था, जो अल्लाह ने साथ दिया तभी सीधा अपने घर जाके रुकूंगा। तो चल अभी तो वैसाखी के मेले चलते, बल्ले बल्ले चाहिए। चिंता न कर, मैं अपने काकू की हिफाजत खुद करूंगी। चल पुत्र चल 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 काकू।
शर्मा जी, डॉक्टर साहब आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे घर की तलाशी? जी। किस लिए? दरअसल तलाश हमें उस कैदी की है जो जेल तोड़कर भागा हुआ है। उसके साथी ने बताया कि रहमत खान अपने दोस्त का जिक्र कर रहा था जो कि इसी इलाके में रहता है और उसका सरनेम खन्ना है। अब सब आप जैसे आदमी का किसी सजायाफ्ता कैदी से रिश्ता हो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि आपका सरनेम खन्ना है, इसलिए ऑफिशियली हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। प्लीज डॉक्टर साहब, वो आपका भाई आया हुआ था, वो कहाँ है? वो तो चला गया। क्यों? नहीं बस ऐसे ही। डॉक्टर साहब पुलिस की नौकरी करते करते क्या है ना, हर चीज की तफ्तीश करने की आदत सी हो गई है। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। चलो भाई आ जाओ। चल ना। आओ जाइए। हाँ चल जाइए जी, संभाल कर। सत श्री अकाल जी। ओए काकू। ओए। ओ चाई। हाँ पुत्र। ओ चाई, मेरी बरसों से तमन्ना थी कि तेरे साथ मैं वैसाखी का त्यौहार मनाऊं, देख पूरी हो गई। अरे पुत्रा, मेरी भी तरंगिली वैसाखी हुई आज। पुत्र मेरा जीता रे पुत्र। चलो पुत्र आजा। चल चल चल। अरे चल, नहीं ज्यादा नहीं। अरे सुन, तू जल्दी से जाके घर फोन कर दे और पापा को बता दे हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं। जी मम्मी। और सुन, कुछ उल्टा सीधा मत कह दीजो, कहीं पुलिस को शक ना हो जाए। जी मम्मी, ठीक है। बल्ले 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 बल्ले। डॉक्टर जोगिंदर खन्ना। हेलो डैडी। हाँ बेटा बोलो। हम सब यहाँ कैरियर से पहुंच गए हैं, आप कब तक आ रहे हो? आता हूँ बच्चे। जी सब, कहीं जाना तो नहीं आपको? और कहीं बस आ गई है मेले में तो नहीं जाना आपको भी? वहीं जाना है, करीब आप भी वहीं। अगर कैदी मिल गया ना तो हम भी आपके साथ वहीं बस आके मनाएंगे, वरना पता नहीं कब तक ड्यूटी निभानी पड़ेगी। कोई भी नहीं मिला सर। ठीक से चेक किया? यस सर। पीछे देखा? जी सर। मालूम था डॉक्टर साहब आपके यहाँ तो कोई मिलने से रहा। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। नहीं नहीं, मैं खुद चला। थैंक यू। निकल है डॉक्टर साहब, हमने खामखां आपको इतनी तकलीफ दी और आप हमें इतनी भी खिदमत का मौका नहीं देंगे। प्लीज कोई फॉर्मेलिटी मत करिए, चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। ठीक है, मैं कपड़े बदल के आऊँ। प्लीज आ जाओ भाई, खड़े बैठो। चलो चल पति जी, चाचा नाच के बखा शाश। साखी के दिन नाच गाना हाथ पकड़ के होता है, आज कोई नहीं रोकेगा हमें। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें? अगर तुम्हें हाथ छुड़ाना होता तो कब का छुड़ा चुके होते। लो छुड़ा लिया। अब बोलो, अब क्या करोगी तुम? अब क्या करोगी? चलो बैसाखी है, थोड़ा डांस वांस कर ले हम भी। मुझे डांस नहीं आता। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? चलते हैं डांस वांस करते हैं, चलो ना। पुत्र, ओ पुत्र मेरे, कौन है ये? सोडी चाचा का लड़का है। सोडी? अपना सोडी? ओए तू निंदी का पुत्र है? तू घबरू जवान ओए, मैं चाचा हूं तेरा, काकू, और मेरा बच्चा है तू। आ शेर, ओ जाओ बच्चों, नाचो ओए, मजाक ही बनाओ, शाबाश है।
वाह भाई वाह। लसुड़ी सुना है तू मेरी भाभी हो गई है। ओए निंदी ने शादी कर ली है तेरे साथ। ओए देख हुन तू मेरे नाल चंगी तरह गल करी हुन मैं लसुड़ी नहीं रह गई हुन मैं तेरी परजाई बन गई हां। वाह भाई लसुड़ी। ओए लसुड़ी यहां मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि हम तेरे को लसुड़ी बुलाया करते सच। अच्छा ये तो बता तू कब आया इधर। ओ बस उड़ते हुए बादलों के साथ आया बरसात के छींटों के साथ गिरा हूं। अब ये पूछ जाऊंगा कब। ये मैं कैसे बता सकती हूँ और ये तो तू ही बता दे मुझे। ओए चलिए बरसात का पानी कभी एक जगह रुका है बस ऐसे ही खेत खलियान से गुजरता हुआ निकल जाऊंगा। मेरे पल्ले तेरी कोई बात नहीं पड़ रही। ओए चली लसुड़ी हमारी कभी कोई बात तेरी समझ में आई है। और देख ऐसे ही गुजरते हुए निकल जाऊंगा खेत खलियान से बेवकूफा। चलो मुंडे शाबाश। देख के चला कर। जो देखा उस पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। काकू यहाँ कब आया और आया तो हमसे मिला क्यों नहीं। नहीं मिला तो नहीं मिला और उसे पहचानने की जरूरत भी नहीं समझी। क्या कह रहे हैं आप वो हमारे बचपन का साथी है। बचपन का साथी था लेकिन अब रहमत खान है वो जेल से भागा हुआ कैदी।